उत्तर प्रदेश के हरदोई में हिंदू महिला के साथ मुस्लिम युवक के द्वारा लव सेक्स और धोखे के साथ मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली है, वहीं महिला का आरोप है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में FIR दर्ज की है। पूरा मामला लव सेक्स और धोखे का यह लुनार कोतवाली क्षेत्र के 52 कस्बे का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला अपने पति से विवाद के बाद अपने मायके में रहकर यहीं पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। महिला जहां ब्यूटी पार्लर चला रही थी उसी के पड़ोस में आरिफ नाम का एक युवक रहता था जो महिला के ब्यूटी पार्लर पर आता जाता रहता था। दोनों में संपर्क हुए तो आरिफ ने महिला को शादी का झांसा दिया और नौकरी दिलाने की बात कहकर उससे शारीरिक संबंध बना लिए। संबंध स्थापित करने के दौरान आरिफ ने महिला के अश्लील वीडियो भी बना लिए और काफ़ी दिनों तक उसे ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इधर जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो उसने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके साथ ही आरिफ ने कहा कि वह शादी उससे तभी करेगा जब वह मुस्लिम धर्म अपना लेगी। फोटो वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने पूरे मामले की पुलिस को तहरीर दी। प्रकरण है और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? एक महिला है जो कि कस्बा 52 थाना लोनार क्षेत्र की रहने वाली है और इनके पति से पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस वजह से मायका इनका 52 में ही है, 52 में ही रहती थी। वहीं पे इन्होंने ब्यूटी पार्लर की एक अपनी दुकान खोल के जीविकोपार्जन भी करती हैं। दुकान के बगल में ही एक आरिफ नामक व्यक्ति की किराने की दुकान है, वहाँ पे सामान लेने आने जाने की वजह से इससे संपर्क हो गया और आरिफ ने इनको नौकरी और शादी का लालच दिया, झांसा देकर इनके साथ शारीरिक शोषण किया और उनका फोटो वीडियो वायरल भी कर दिया है। इस संबंध में उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कराया गया है और युवती का मेडिकल रिपोर्ट कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, क्या आरोप क्या है कि ब्लैकमेलिंग करके शारीरिक शोषण किया गया और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना दिया? हाँ, शारीरिक शोषण किया गया कि शादी कर लेंगे और उसमें ये कहा गया कि उसके द्वारा कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लोगी तभी शादी करेंगे। बाद में जब उन्होंने पूछा तो इसमें अभियोग पंजीकृत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरी शादी शुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके कारण हम अपने मायके रहने लगे। वहाँ अपने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी है, सामने आरिफ नाम का लड़का रहता है, परचूनी की दुकान है। उसकी दुकान में कभी कभी सामान लेने जाया करते थे। उसने कहा तुम्हारी हम नौकरी लगवा देंगे, नौकरी के झांसे में लेकर उसने मुझे फरुखाबाद की ओर ले गया। उसने मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पिला के उसने बेहोश कर दिया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी, फिर गाड़ी में ही बलात्कार किया मेरे साथ, ब्लैकमेल करता रहा। फिर वो उसी फोटो वीडियो बना के ब्लैकमेल करता रहा, फिर मुझे जहाँ बुलाया था मैं जाती रही उसके साथ। फिर वो आए दिन मुझे बुलाता रहा, धमकाता रहा, बुलाता रहा, हर जगह बलात्कार किया मेरे साथ। फिर उसने एक दिन नहर के पटरी के पास बुलाया, फिर वहाँ भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। जब हमने मना कर दिया तब उसने कहा कि मैं तुम्हारी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। उसने मेरी फोटो वीडियो वायरल कर दी, बोलने लगा हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हमने मना कर दिया तो उसने फोटो वोटो सब वायरल कर दी हर जगह। उससे मेरी बदनामी, मेरी तहरीर भी बदल दी गई। पुलिस से शिकायत किया आपने और पुलिस ने क्या आपकी मदद की? पुलिस कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी तहरीर ही बदल दी। मुकदमा लिखवाने के 2-4 दिन तो लिखा नहीं, फिर बाद में मेरी तहरीर ही बदल दी गई।